ये चेक करना है कि इसमें सॉर्टिंग तो नहीं आ रही है। अब इसके बाद इस केबल पे हम इसका बूटिंग करेंगे और अभी सीपीयू लगाते हैं और लगाकर देखते हैं कि इसकी क्या सही रीडिंग आनी चाहिए। सिर्फ सीपीयू लगाने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे बताना कि किसके बाद मैं रैम लगाने का एक वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। सो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, एक वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आया हूँ। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग सीपीयू लगाते समय देखो डुअल लेकर रहते तो चेक करना है कि इसमें सॉर्टिंग तो नहीं आ रही है। अब इसके बाद इस केबल पे हम इसका बूटिंग करेंगे। हजारों वीडियो डाले हैं, नो डाउट, स्टूडेंट ने भी डाले हैं, टीचरों ने भी डाले हैं, मेरे खुद के बहुत सारे वीडियो हैं। आप देखना चाहते हैं तो लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब तक बहुत सारे वीडियो ऐसे आपने देखे होंगे जिसमें सारा काम कर देते हैं पर वो बहुत मेन इंपॉर्टेंट बात नहीं बताते हैं। और जो बड़े वीडियो हो जाते हैं हम लोग तो बताते हैं पर आप लोग देखते ही नहीं है, जो देखते वो फायदा उठा लेते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में खाली सिर्फ सीपीयू लगाना बता रहा हूँ। देखिए, ये मेरा सीपीयू है और ये मैंने रिवॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है, और इस सीपीयू को मुझे लगाकर एक ये चेक करना है कि क्या मेरा वाकई में सीपीयू सही लगा है कि नहीं लगा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा, सिर्फ अगर मैं ये चेक करूं कि सीपीयू सही लगा है कि नहीं लगा है। क्योंकि अगर मैं सीपीयू लगाना के बाद सही तरीके से रीडिंग नहीं पता कर पा रहा हूं तो मैं क्या ही काम करूंगा। ठीक है, मैं क्या काम कर लूंगा एक बार बताऊं। तो ये जो सीपीयू है इसको मैं लगाता हूं और आपको बताता हूं कि क्या एक सिर्फ सीपीयू लगाने की रीडिंग आपको मिलनी चाहिए। क्योंकि मेरे चैनल पे ऐसी ऐसी आपको जानकारी मिलेगी जो आपको एक पेड इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेगी। आप अपना 20-30-15 जितना ये हजार खर्च करना है तो कर लो, उसके बाद भी आपको शायद ये जानकारी मिले और सही ना मिले, सही मिले तो व्यवस्थित ना मिले, मतलब सही तरीके से जो आप समझ में ना आए। तो आप मेरे पेड कंटेंट को फ्री में देख रहे हो और इसके लिए मुझे लाइक और कमेंटो बनता है। रही बात आपके, अगर आपको वाकई में अच्छा लगे, आपको लगे कि आपका फायदा हुआ है तो इसको प्लीज अपने फेसबुक में शेयर कर देना ताकि आप जैसे भाइयों का और उन गरीब भाइयों का जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों से विनती है कि ये वीडियो हम इसलिए नहीं बनाते कि हमें आप आए इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हमारे पास जो आना होता है वो आता ही है और बहुत अच्छा यहाँ पर कंटेंट हासिल करता है और अच्छा बैकअप लेता है। हम ये चाहते हैं कि वीडियो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो गरीब भाई हैं जो कहते हैं कि सर हम इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनके पैसे नहीं है, तो उनके लिए बनाते हैं ताकि वो अपना काम इस वीडियो से निकाल सके। बट मैं तभी भी कहूंगा कि सीखना तो पड़ेगा ही। जैसे एक गरीब आदमी अपना पेट काट के अपने बच्चे को स्कूल में डालता है, अच्छे स्कूल में डालता है, तो क्यों डालता है, मत डालो। तो स्कूल में जाके बोलो तो कि भाई फ्री में पढ़ाओ, तो ऐसा आप भी जानते हैं ना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि स्कूल के अपने खर्चे होते हैं। फ्री में कोई एक पर्टिकुलर जन पढ़ा दे पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब दोस्तों, और फ्री में क्या दोस्तों, आप भी बात मानिए, आप भी किसी को फ्री में मोबाइल बनाएंगे तो कल को वही ज्यादा आपको पेलेगा। फ्री में दी गई चीजें और ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं होता है। बट ये वीडियो है, आप वीडियो को लाइक और डिसलाइक दोनों कर सकते हैं, ये फ्री है। अगर यही आप पैसे, अगर मैं पेड कर देता कि 150 रुपए पे करो पहले मुझे, मैं वीडियो की लिंक दूंगा, तो यही आप वीडियो में 10 कमेंट करते वाह सर मजा आ गया। खैर, मैं कमेंट पे इतना ध्यान देता नहीं हूं कभी क्योंकि कमेंट आमतौर पे जो होते हैं वो फेक आते हैं और दूसरे लोग करवाते हैं, इसलिए कमेंट पे कभी ध्यान मत देना किसी के, कंटेंट पे ध्यान देना। चलो अब बात करते हैं सीपीयू की और अभी सीपीयू लगाते हैं और लगाकर देखते हैं कि इसकी क्या सही रीडिंग आनी चाहिए। सिर्फ सीपीयू लगाने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मुझे बताना कि किसके बाद मैं रैम लगाने का एक वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको आपके बोर्ड के आसपास का
सब तरह का, रांगा वांगा चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्स्ट्रा रांगा लगा हो कहीं पर, समझ रहे हैं आप, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा रांगा लगा होगा तो क्या होगा, ये देखो जो एक्स्ट्रा रांगर लगा होगा वो दोनों कैपेसिटर के बीच में या दो कंपोनेंट के बीच में उसको मेल्ट करके उसको शॉर्ट कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये सारी चीजें क्लियर कर लेनी है। अब मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपका आपसे सीपीयू नहीं लगता है और ये लगाने के बाद भी तो आप क्या कर सकते हैं, सो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा और बहुत मजा आएगा उस वीडियो में। अब मैं थोड़ा सा हीट ले लेता हूं और सीपीयू के लिए, तो देखिए हल्का सा थोड़ा सा करेंगे बीच में और उसको फैला देंगे, ठीक है। अब सीपीयू रखेंगे और सीपीयू का जो नोज कट पॉइंट है उसको ध्यान से रखिएगा, आपको आपका नोज कट पॉइंट पता होना चाहिए। और ये ऊपर जो मेल्ट हो गया दोस्तों तो उस पर मैं ज्यादा वो नहीं दिमाग नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये जो सी है मेरा ये बड़ा सी है और बड़ा छोटा सी में एक वीडियो बनाया है, इसको देखिएगा। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे ये सीपीयू लगाना है और देखना है कि मेरा रैम जो मैं बैठा रहा हूं क्या वाकई में मेरा सीपीयू रैम लगाने लायक है या नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने सीपीयू लगा दिया और रैम नहीं लगा पा रहा हूं और रैम लगा दूंगा बिना चेक किए हुए तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर से सीपीयू निकालो रैम निकालो, इसमें सीपीयू भी हीट कर सकता है और बोर्ड भी, ठीक है। तो देखिए अभी तो मैंने बिठा दिया है, कोने आप देख सकते हैं, अब मैं इसमें हीट करने वाला हूं। थोड़ा सा हीट करने के बाद साइड कॉर्नर से पेज दे देना है, हाँ आ जाओ अंदर, आ जाओ लैब में आ जाओ। लैब में लिया उसको, तो थोड़ा सा देखिए हीट दे रहा मैं, तो देखिए सीपीयू का मूवमेंट देखिएगा, तो जैसे ही सीपीयू का मूवमेंट आप देखिएगा आपको यहां पर देखिए, तो सीपीयू का मूवमेंट बताता है कि सीपीयू लग गया है कि नहीं लग गया है। तो देखिए हल्का सा टच देना है खाली, और अब इसके बाद आपका जो सीपीयू है वो लग गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम टाइम देंगे क्योंकि दोस्तों मेन है आप सीपीयू तो अपने टेक्निक से लगा दे रहे हैं, बट सबसे मेन क्या है कि सीपीयू लगने के बाद ये चेक करना कि हमारा बोर्ड ऑन कंडीशन पे है कि नहीं, और अगर हम यही नहीं चेक कर पा रहे हैं तो हम क्या ही सीपीयू लगा लेंगे, हा? और दोस्तों इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना तो हमारे को इससे कहीं और ऊपर के लिए ज्वाइन करना, कुछ और इससे ज्यादा सीखना हो तो, क्योंकि ये हमारे लिए पहले से मैंने कहा है कंटेन नहीं है। अब आप नोटिस कीजिए अब मैं आसपास के सारे जीआर चेक करूंगा,
नोटिस कीजिए दोस्तों, अब मैं आसपास के सारे जीआर चेक करूंगा। ठीक है, तो आप डायल मोड की वैल्यू देखिए 00, क्योंकि सीपीयू लगाने के बाद सबसे पहले आपको फोन ऑन नहीं करना है, आपको ये चेक करना है कि आपका बोर्ड के आसपास कहीं शॉर्टिंग तो नहीं हो रही है। क्योंकि अगर आपके बोर्ड में शॉर्टिंग हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके बोर्ड में हम सीपीयू जो लगाया है उसकी वजह से शॉर्ट हो रहा है, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपके आसपास के कैपेसिटर पे कहीं रांगा तो नहीं लग गया है, और तीसरा कारण आपको ये नोटिस करना है कि आसपास के कोई कंपोनेंट निकल तो नहीं गया। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा ये बड़ा कैपेसिटर। आप देखिए इस पे एक और बिल्कुल ग्राउंड आ रहा है और दूसरी ओर जीआर आ रहा है, तो ये बिल्कुल ओके है। और दूसरा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ये कैपेसिटर छोटा सा, इस पे एक और ग्राउंड आ रहा है और दूसरी ओर नोटिस कीजिए 0.11, 0.10 की लो जीआर आ रही है, जो कि बिल्कुल सही है। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है ये वीडीडी का, तो इस पर नोटिस कीजिए एक और जीरो और इधर आपको जीआर। वैसे ही आप अपने सारे आसपास के कॉम्पोनेंट चेक करते रहिए। सीरीज में लगा है कैपेसिटर। अब हम बोर्ड में पावर केबल लगाएंगे, बूट केबल, और ये चेक करेंगे कि आपके फोन का क्या रीडिंग आ रहा है, क्योंकि सबसे मैटर है, इंपॉर्टेंट चीज है कि रीडिंग, कि आपके फोन की क्या रीडिंग आ रही है। ठीक है, और ये बहुत प्रो लेवल का काम है। आपको मेरी डीसी केबल मशीन दिख रही होगी, और अब मैं इस बोर्ड में पावर केबल लगा के ये चेक करूंगा कि मेरा फोन किस कंडीशन में है। तो नोटिस कीजिए मैंने अभी पावर केबल लगाई है, और अब मैं इसमें अपना कनेक्टर लगाऊंगा। चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, देखिए सबसे पहले तो पीसीबी लगाने के बाद आपको इसमें ये चेक करना है कि इसमें शॉर्टिंग तो नहीं आ रही है। अब इसके बाद इस केबल पे हम इसका बूटिंग करेंगे, और नोटिस कीजिए तो इसका बूटिंग आ रहा है 0.128, जो कि इसका बूटिंग एकदम बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब मेरा बोर्ड एकदम ओके है और सीपीयू मेरा ओके लग गया है। अब इसी सीपीयू को एक और मुझे चेक करना है, तो मैं कैसे चेक करूंगा, मैं इसका भी देखिए। तो इसको चेक करने के लिए मेरे एक लैपटॉप में देखिए आप लोग, तो मैं अपने लैपटॉप में डिवाइस मैनेजर ओपन कर रहा हूं। आपको नोटिस, आप लैपटॉप में डिवाइस मैनेजर आप देख रहे होंगे, ठीक है। और अब देखिए, नोटिस कीजिए ये, अब आप देखिए जैसे ही मैं अपने मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करूंगा वैसे ही ये पोर्ट बनाएगा,
कोड में लिखा होगा डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड। देखिए अब मैं इसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूं, ये देखिए केबल है, ये देखिए यहां पे देखिए यूएसबी अननोन यूएसबी डिवाइस, अननोन यूएसबी डिवाइस, तो इसका मतलब ये है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हमने जो मोबाइल का सीपीयू लगाया है वो एकदम ओके है। और अब किसी और वीडियो में मैं इसका रैम लगाना दिखाऊंगा, तो आई होप कि कैमरा मेरा सेटिंग सही है, तो अब मैं किसी और वीडियो में इसका रैम लगाना सिखाऊंगा। सो वीडियो कैसा लगा मुझे बताएगा जरूर, लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है मेरी मेहनत के लिए, एंड थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग कीप सब्सक्राइब। तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गया? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबॉल भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया? सर डुअल टेकर सीपीयू, डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए? सर डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना, आपने लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर सीपीयू करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया? सर डबल डेकर सीपीयू, डबल डेकर सर रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस ये सारी चीज की, ये आपने की है, सारे स्टूडेंट ने की, सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ? सर डबल डेकर क्या है, मैंने ओपनिंग क्लीनिंग और रिबोलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? आज हमने डबल डेकर किया सर। डबल डेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज आपने क्या करवाया? सिर्फ डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन? सर डुअल डेकर, डुअल डेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया? सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता? सर बिल्कुल मिलता। आज आपने क्या किया? करो डुअल डेकर सीपीयू, डुअल डेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया? खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज मैं आज डबल डेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? सर ड्यूल सीपीयू, ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे? सर हम 25 पर। कौन क्या किया आज के दिन बताइए बस। सर हमने ड्यूल डेकर किया सर। ड्यूल डेकर किया आपने? मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट।